जी तो ये देखिए आतानूर गेट की माहौल, जो आतानूर गेट से आप अस्ताना शरीफ देख पा रहे हैं, कैसे माहौल है, कितना पब्लिक है। देखिए यहाँ पर लोग कैसे ज़ियारत कर रहे हैं, और अंदर खुदा में हजरत है ऑलरेडी जो आपको ज़ियारत करा रहा है। और ये देखिए देखते ही देखते कितना पब्लिक यहाँ पर जमा हो गया, इससे पहले कितना पब्लिक था, कितना खाली खाली जैसे था, अभी कैसे पब्लिक भर गया देख सकते हो। और ये देखिए पायती गेट के सामने कबड्डी हो रहा है, कबड्डी का माहौल है, यहाँ पर भी कितना भीड़ है देख सकते हैं, यहाँ का मजमा कैसा लग रहा है जी देखिए। और ये देखिए पायती गेट से आस्था शरीफ जहाँ पे कदम उसी होता है, सुभान अल्लाह, देखिए कदम उसी की जगह ज़ियारत कीजिए। यहाँ पर भी कैसे पब्लिक आज 24 जनवरी के दिन देख सकते हो आप। और बाकी ये देखिए जन्नती दरवाज़ा, जन्नती दरवाज़ा को भी आप ज़ियारत कीजिए और यहाँ का भी माहौल देख लीजिए। इस तरह रोज़ मैं आपको ज़ियारत कराते रहता हूँ जी। ये देखिए आस्था शरीफ के 4 नंबर गेट, जिस गेट से आप आस्था शरीफ ज़ियारत करके बाहर आते हैं, यहाँ पर लोग कैसे मन्नत की डोरा बांध रहा है। और ये ख्वाजा साहब के बीबी साहिबा की दरगाह है, जो दोनों बीबी की दरगाह है, ख्वाजा साहब का बीबी साहिबा की देख सकते हैं, यहाँ पर लोग कैसे ज़ियारत कर रहा है। और ये देखिए दरगाह शरीफ से बाहर जाने का रास्ता है जी, निज़ाम गेट और नौबतखाना गेट के बीच का माहौल है, कैसे लोग बाहर से अंदर एंट्री हो रहा है दरगाह शरीफ ज़ियारत के लिए। देखिए अभी सीधा जाएंगे हम दरगाह बाज़ार में, आपको दरगाह बाज़ार के भी माहौल दिखाएंगे। ये देखिए आपका बिल्कुल दरगाह बाज़ार की माहौल, मैं दरगाह बाज़ार खड़ा होकर निज़ाम गेट के माहौल दिखा रहा हूँ आपको, सुभान अल्लाह। बना रहिए, आप शुरू करेंगे आपका अपना वीडियो, ज़ियारत कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अब यकीनन मेरी तकदीर सवार जाएगी, अब यकीनन मेरी तकदीर सवार जाएगी, इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते हैं, इनको मंजूर ना होता तो ना आने देते हैं, बेशक यहाँ पे वही आते हैं जिसे मेरी खजा ने बुलाते हैं। अस्सलामुअलैकुम आशिकाने खजा गरीब नवाज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज आपको दरगाह शरीफ के अंदर से ज़ियारत शुरू कराएंगे, ज़ियारत कराएंगे और अंदर से माहौल दिखाते हुए सीधे बाहर ले आएंगे, बाहर का भी माहौल दिखाएंगे। और आप लोग जितने भी हमसे दुआ की दरख्वास्त किए है, मैं दुआ करता हूँ मौला गरीब नवाज आप सबको सलामत रखे। तो आइए आपको ले चलते दरगाह शरीफ के अंदर, दरगाह शरीफ ज़ियारत कराते हैं, माहौल दिखाते हैं और माहौल दिखाते हुए सीधे बाहर ले आएंगे। तो बना रहिए वीडियो को पूरा देखिए, दरगाह शरीफ ज़ियारत कीजिए जी। चलिए चलते फिर अंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिकाने खजा गरीब नवाज आप सबको गरीब नवाज की हाजिरी मुबारक हो। तो आज आपको आतानूर गेट से ज़ियारत कराता हूँ जी। ये देखिए आतानूर गेट, आतानूर गेट की माहौल, मैं आतानूर गेट के अंदर हूँ और अंदर से मैं ये माहौल दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं अभी आतानूर गेट के अंदर कितना पब्लिक है, कितना ज़ायरीन है आप देख सकते हो। आज 4 जनवरी है 2022 के, अभी सुबह सुबह का टाइम है, देख सकते हो यहाँ पर कितना पब्लिक है, कैसे खाली खाली जैसे देख रहा है। और यहाँ पर कबड्डी भी हो रहा है और ज़ायरीन बिल्कुल कम है, और अजमेर शरीफ में सख्त सर्दी भी है देख सकते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आतानूर गेट से आस्ताना शरीफ, तो अभी आप बरगाह गरीब नवाज में खड़ा हो और आतानूर गेट से आस्ताना शरीफ ज़ियारत कर रहे हो, आप ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या हुजूर गरीब नवाज, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से नन्हे भाई जो दुआ की दरख्वास्त किए, उनकी दुआ को कबूल फरमाइए, उनकी रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाइए, उनको कारोबारों में तरक्की अता फरमाइए, उनकी शायद तंदुरुस्ती अता फरमाइए, उनकी फैमिली के साथ कामयाबी और कमरानी के साथ आप अपने दरबार में बुलाइए। और पश्चिम बंगाल मेटिया पुरुष, कलकत्ता मेटिया पुरुष से मोहम्मद जाहिद भाई ने दुआ की दरख्वास्त किया, उन्होंने मन्नत रखी है गरीब नवाज, उनको जायज मन्नत को आप पूरा कीजिए, उनकी कामयाबी और कामरानी के साथ आप अपना दरबार में बुलाइए। या हुजूर गरीब नवाज, हमारी इस वीडियो के ज़रिए जितने लोग ज़ियारत कर रहे हैं सबको ज़ियारत को कबूल फरमाइए, सबको हाजिरी कबूल फरमाइए, सबको शायद तंदुरुस्ती अता फरमाइए, सबको रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाइए, सबके ऊपर आप खास निगाह अता फरमाइए। या हुजूर गरीब नवाज, हमारी कमेंट बॉक्स में जितने लोग कमेंट करके दुआ की दरख्वास्त की है सबको दुआ की कबूल फरमाइए, सबको हाजिरी कबूल फरमाइए, सबकी ऊपर आप खास निगाह अता फरमाइए।
हमारी सब्सक्राइबर जितना सब्सक्राइबर है, जितने लोग हमारे वीडियो द्वारा ज़ियारत करते हैं, हमसे जितने कमेंट करके दुआ की दरख्वास्त की है, सबके नाम मुझे याद नहीं है। हुजूर गरीब नवाज़ तो बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके दुआ की दरख्वास्त करते हैं। हुजूर गरीब नवाज़ उन लोगों की दुआ की दरख्वास्त आप कबूल फरमा दीजिए, उनकी हाज़िरी को कबूल फरमाइए, उनकी रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाइए। या हुजूर गरीब नवाज़, करम आप नहीं करेंगे तो करम कौन करेंगे? आप हो नायब रसूल, आप हो आताए रसूल, बेशक आप अल्लाह के हबीब के हबीब हो। या हुजूर गरीब नवाज, करम आप नहीं करेंगे तो करम कौन करेंगे? आप सबके ऊपर ख़ास निगाह अता फरमाइए। हुजूर गरीब नवाज, हमारी इस वीडियो के जरिए जितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोग ज़ियारत कर रहे हैं, जितने लोग हमारी सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग हमसे कमेंट करके दुआ की दरख्वास्त की है, सबको दुआ को कबूल फरमा दीजिए, सबको हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए, सबकी कामयाबी और कामरानी के साथ आप अपना दरबार में बुलाइए। खास करके जो हमारी नन्हे भाई उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से जो दुआ की दरख्वास्त की है, उनकी दुआ को कबूल फरमाइए। वो आपका आशिक है, नन्हे भाई आपका आशिक है, आपके चाहने वाले हैं। नन्हे भाई के रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाइए, नन्हे भाई के सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए। कलकत्ता मेटियापुर मोहम्मद जाहिद भाई ने भी दुआ की दरख्वास्त की है, उन्होंने मन्नत रखी है, उनको भी मन्नत को पूरा कीजिए। उनके दिलों की जो मन्नत है, उनकी जो जायज़ मकसद है, वो पूरा कीजिए और उनकी कामयाबी और कामरानी के साथ आप अपना दरबार में बुलाइए। या हुजूर गरीब नवाज, और भी जितने लोग ज़ियारत के लिए कहते हैं, जितने लोग दुआ के लिए दरख्वास्त करते हैं, सबकी दुआ की कबूल फरमा दीजिए, सबका हाजिरी कबूल फरमाइए। तो मैं आता है नूर गेट से सीधा ज़ियारत कराते हुए आपको लेके आया हूँ पायती गेट के सामने। तो ये देख सकते हो पायती गेट के सामने का माहौल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवाज की गुम्मत शरीफ जो आप देख पा रहे हैं, सुभान अल्लाह जी। तो ये देखिए पायती गेट के सामने का माहौल, आज पायती गेट के सामने कितना पब्लिक है आप देख सकते हो। आज 4 जनवरी के दिन है और सुबह का टाइम है, माशाल्लाह देख सकते हो। तो आज यहाँ पर कितना पब्लिक है, यहाँ पर कव्वाली भी हो रहा था, थोड़ा कव्वाली भी सुनाएंगे, उसके बाद आपको पायती गेट से आस्था शरीफ भी ज़ियारत कराएंगे। तो आप हमारे वीडियो में जुड़ा रहिए, स्किप ना कीजिए, दरगाह शरीफ आप ज़ियारत कीजिए और माहौल भी इस तरह देख लीजिए जैसे आज के दिन भी दरगाह शरीफ की अंदर बाहर कितना पब्लिक है। तो आइए पहले आपको कव्वाली सुनाते हैं जी, कव्वाली सुनिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है आपका बिल्कुल पायती गेट, जिस गेट के अंदर जाके आपको कदम मुसी होता है और ज़ियारत भी होता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखिए पायती गेट से आप ज़ियारत कीजिए और हुजूर गरीब नवाज से दुआएं मांगिए। तो हुजूर गरीब नवाज, या हुजूर गरीब नवाज, हमारी इस वीडियो के जरिए जितने लोग ज़ियारत कर रहे हैं, जितना हमारी सब्सक्राइबर है, जितने हमसे कमेंट करके दुआ की दरख्वास्त की है, सबको दुआ को कबूल फरमाइए, सबको हाजिरी कबूल फरमा लीजिए। या हुजूर गरीब नवाज, सबको परेशानी को हल मसला कीजिए, सबको आप दुश्मन जालिम हकीम से महफूज रखिए, सबकी आप रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाइए, सबको शायद तंदुरुस्ती अता फरमाइए, सबको आप कामयाबी और कामरानी के साथ आप अपना दरबार में बुलाइए। या मामला गरीब नवाज, आप दिलों का हाल बेहतर जानते हो। हुजूर गरीब नवाज, जितने लोग हमारी वीडियो के जरिए ज़ियारत कर रहे हैं, जितने लोग हमसे कमेंट करके दुआ की दरख्वास्त की है, जितने लोग मन्नत मांगे हैं, सबको जायज मन्नत को पूरा कीजिए, जो आपको कामयाबी और कामरानी के साथ आप अपने दर दरबार में बुलाइए, सबके ऊपर आप खास निगाह फरमाइए, आमीन। तो चलिए फिर आपको लेके चलता हूँ 3 नंबर गेट के सामने,
आस्थाना शरीफ के। जी देखिए, तीन नंबर गेट के सामने जाने से पहले का माहौल है, तीन नंबर गेट के सामने ये माहौल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर गरीब नवाज की गुंबद शरीफ तीन नंबर गेट के सामने से। तो आप ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। हुजूर गरीब नवाज की दरबार शरीफ आप ज़ियारत कर रहे हो तो आप ज़ियारत कीजिए और दुआएं मांगिए, बेशक इसी दरबार से आपको दुआएं कबूल होते हैं। माशाल्लाह, ये हुजूर गरीब नवाज की दरबार एक ऐसे दरबार है जो आपको तमाम जायज़ मकसद पूरा होता है, माशाल्लाह। जी तो देखिए, आपको तीन नंबर गेट ज़ियारत कराते हुए सीधे लेके चल रहा हूँ जन्नती दरवाजे के सामने। जी तो ये देखिए जन्नती दरवाज़ा, आप जन्नती दरवाज़ा को भी ज़ियारत कीजिए और यहाँ का भी माहौल देख लीजिए। जी ये देखिए जन्नती दरवाज़ा, ये आपको जन्नती दरवाज़ा दिखा रहा हूँ, जन्नती दरवाज़ा देख लीजिए, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। और यहाँ पर भी कितना पब्लिक है, कितने लोग यहाँ पे ज़ियारत कर रहा है, यहाँ पे आसपास कितने लोग बैठे हुए हैं, सब आप देख लीजिए हमारा वीडियो द्वारा, ताकि जो आप अजमेर शरीफ में नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए मैं खास करके वीडियो बनाते हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये है आपको शाहजहानी मस्जिद की अंदर की माहौल। जी तो आप ये देख रहे हैं शाहजहानी मस्जिद की अंदर की माहौल, यहाँ पर भी आज कितना पब्लिक है देख सकते हो। आज 4 जनवरी का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है। ये देखिए पूरा शाहजहानी मस्जिद की अंदर। जी और अभी अजमेर शरीफ में शक सर्दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर गरीब नवाज की गुम्बद शरीफ। तो माशाल्लाह यहाँ पे जितने रूम है होटल है सब की अंदर सर्दी की इंतज़ाम है। आप ऐसे कोई परेशानी वाला बात नहीं है, जो आप अजमेर शरीफ में आना चाहते हैं आराम से आइए। यहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर ज़ायरीनों का ज़ियारत के टाइम है सुबह 5 बजे से लेके शाम को 11 बजे तक, यानी रात को 11 बजे तक। तो ये है आपका आस्थाना शरीफ के 4 नंबर गेट, जिस गेट से आप आस्थाना शरीफ ज़ियारत करके बाहर आते हैं। देखिए किस तरह लोग ज़ियारत करके बाहर आ रहा है, और बाहर आके ये मन्नत की डोरा भी बांध रहा है, तो बेशक यहाँ से मन्नत पूरा होता है। आपको देखिए कैसे मन्नत की डोरा बांध रहा है, 4 नंबर गेट के सामने आज देख सकते हो। और अजमेर शरीफ की गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, अजमेर शरीफ के जो गाइडलाइंस है, ज़ायरीनों का दरगाह शरीफ ज़ियारत का टाइम सुबह 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। रात को 11 बजे के बाद आप अपना रूम पे चला जाइए। सुभान अल्लाह। तो ये है आपका बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ। तो बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ भी ज़ियारत कीजिए, और बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ के साथ साथ देखिए ख्वाजा साहब की बीबी साहिबा की दरगाह, जो दोनों बीबी के दरगाह है, वो भी आप ज़ियारत कीजिए। और देखिए यहाँ पर भी लोग कैसे ज़ियारत कर रहा है, और कितना पब्लिक यहाँ पर है वो भी आप देख लीजिए। और ख्वाजा साहब के बीबी साहब से आप दुआएं भी मांगिए, ज़ियारत कीजिए। चलिए फिर आपको बाहर की तरफ ले चलता हूँ। तो बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछे हैं, अजय भाई अजमेर शरीफ में रात को 10 बजे के बाद रूम मिल जाएंगे? जी बिल्कुल मिलता है, रात को 10 बजे के बाद अगर आप अजमेर शरीफ में आते हैं तो आपको रूम मिल जाता है, मिल जाएगा। और कई लोग भी पूछे अजय भाई आरटीसी रिपोर्ट मांगता कि नहीं? यहाँ पे आरटीसी रिपोर्ट कुछ भी ऐसे कुछ मांगता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे वीडियो द्वारा के माहौल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई चेकिंग वगैरह कोई पूछताछ कुछ भी नहीं है। जी देखिए मैं बिल्कुल दरगाह शरीफ के अंदर से भाई वजू खाना का सामने लेके आया हूँ। वजू खाना है इधर बड़ी डेक, वो भी मैंने आपको दिखाया। और ये देखिए बाहर से अंदर एंट्री होने का 3 नंबर गेट, जो 3 नंबर गेट में अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इसलिए ज़ायरीनों का एंट्री बंद है। देख सकते हो ये लंगर खाना गेट भी बोलता है, यहाँ पर 2 टाइम लंगर तकसीम होता है, 1 फजर के नमाज के बाद और 1 असर के नमाज के बाद। जी ध्यान रखिए। और ये देखिए आपको छोटी डेक, ये छोटी डेक की माहौल, इस डेक में आपको 60 मन खाना पकता है, मीठा खाना पकता है। देखिए ये छोटी डेक की माहौल कैसा है, यहाँ पर भी कोई चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। और ये देखिए बड़ी डेग, जो इस बड़ी डेग में आपका 120 मन खाना पकता है। जी और ये देखिए बुलंद दरवाज़ा, जो बाहर से आप एंट्री होते हैं निज़ाम गेट, निज़ाम गेट के बाद नौबत खाना गेट, नौबत खाना के बाद आपको ये बुलंद दरवाज़ा आता है। जी इस बुलंद दरवाज़ा गेट की ऊपर ख्वाजा साहब की उरुस के 5 दिन पहले झंडा चढ़ाया जाता, ताकि पूरा दुनिया लोगों की पता चलते हैं कि ख्वाजा साहब का उरुस चालू हो गया। जी तो ये देखिए आपका 2 नंबर गेट, बाहर से अंदर एंट्री होने का 2 नंबर गेट। तो 2 नंबर गेट के सामने की भी माहौल देखिए कैसे, यहाँ पे आदमी आ रहा जा रहा है, यहाँ पे किसी का कोई रोक टोक नहीं है। देख सकते हो यहाँ का भी माहौल कैसे बेहतरीन माहौल है, यहाँ पर कोई आरटीसी का रिपोर्ट कुछ भी नहीं है। जी और ये देखिए आपका अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद के माहौल, यहाँ पर भी कितना लोग है आप देख सकते हो। और ये है आपका बुलंद दरवाज़ा,
जी इस बुलंद दरवाजे के ऊपर ख्वाजा साहब को उर्स से 5 दिन पहले यहाँ पर झंडा चढ़ाया जाता है ताकि पूरा दुनिया के लोगों को पता चलता है ख्वाजा साहब का उर्स चालू हो गया। ये पुराना जमाना से चलते हुए आ रहा है। और ये देखिए नौबत खाना के गेट, इस ये जो गेट है बादशाह अकबर की जमाना से, उस जमाने पे बना हुआ, तो ये नौबत खाना की गेट है। नौबत खाना क्रॉस करके मैं आपको निज़ाम गेट पे लेके आ रहा हूँ, जो अभी आपका मेन गेट है दरगाह शरीफ का बाहर से एंट्री होने का, वो ये है निज़ाम गेट। इस गेट के नाम है निज़ाम गेट और ये निज़ाम गेट दरगाह बाज़ार में है। और ये आप देखिए निज़ाम गेट से खड़ा होकर दरगाह बाज़ार की माहौल, जी ये देखिए दरगाह बाज़ार की माहौल कैसे, यहाँ पर भी कितना पब्लिक है आज देख सकते हो। 4 जनवरी का दिन है तो तमाम ज़ायरीन ख्वाजा साहब का चाहने वाला आशिक सब आए हुए हैं ज़ियारत के लिए, और आप भी आ सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, आपको यहाँ पे किराए के रूम आराम से मिल जाएंगे, खाने पीने का होटल भी मिल जाएंगे, यहाँ पे किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, आराम से देख सकते हो। यहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारा रूम है तो आपको रूम मिल जाएंगे। और ये दरगाह बाज़ार की माहौल देखिए, दरगाह बाज़ार बिल्कुल बाज़ार खुला हुआ है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप किस तरह मार्केट खुला मिलेंगे, दरगाह शरीफ भी आपको खुला मिलेंगे जी। तो देखिए दरगाह बाज़ार से ये निज़ाम गेट है, सुभान अल्लाह, निज़ाम गेट भी ज़ियारत कीजिए दरगाह बाज़ार से, और माहौल भी देख लीजिए। तो इस निज़ाम गेट से आप अंदर एंट्री होने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेंगे, जो आपको लैकेज है, जो बड़ा बड़ा बैग है, वो बैग लेके आप अंदर जा नहीं सकते हैं। जो आप बैग लेके आएंगे घर से, जो बड़ा लैकेज लेके आएंगे, वो लैकेज आपको आपका रूम पे हो या किसी लैगेज रूम पे हो, आपको रख के आना पड़ेगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त और आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वतः रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।